आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू गोश की रेसिपी। 1 केजी गोश्त है, 1 कद्दू, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, प्याज, धनिया का पत्ता। ऊपर गरम हो चुका है, तेल गरम हो चुका है, इसमें बिरयानी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ब्राउन हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। निकाल लिए, ये सबको पीस लेंगे। इसी तेल में गोश्त डाल देते हैं, प्याज, ये हम पहले से मसाला निकाल चुके थे, इसी में डाल देते हैं। ये अच्छे से भून लिए हैं, अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं गलने के लिए। प्याज का पानी फूटेगा इसलिए कम पानी डालेंगे। 4 या 5 सीटी लगाएंगे। ये 4-5 सीटी लग गया है, बहुत अच्छे से हल्का गला है, एक थोड़ा सा गला नहीं है। इसमें अदरक लहसुन, 2 चम्मच अदरक लहसुन इसमें लेकर भून लेते हैं। ये अच्छे से गोश्त भून चुका है, तेल भी छोड़ दिया है। देखिए कद्दू इसी में शामिल कर देते हैं, 2-3 मिनट इसको अच्छे से भून लेते हैं। 2-3 मिनट हो चुका है, कद्दू अच्छे से भून लिए हैं गोश्त के साथ। इसमें पानी डाल देते हैं और 2 सीटी लगा लेंगे, कद्दू में से भी पानी निकलेगी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। दो सीटी लग चुका है, यहाँ देखिए कद्दू भी गल गया है। ये देखिए ये बिरयानी है, पीस लिए इसी में शामिल कर देते हैं, उसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसको ढक देते हैं, 5 मिनट अच्छे से पकने देते हैं। बिरयानी भी है, वो भी अच्छे से मिल जाएगा। कटी हुई धनिया का पत्ता ऊपर से इसको डाल देते हैं। यह हमारा सब्जी तैयार है, कद्दू गोश्त। बनकर कद्दू गोश्त तैयार हो चुका है, इसमें सर्व करते हैं।